फिजिकल डेवलपमेंट हम ये असेस करना चाहेंगे हमारे बच्चे का कद बढ़ रहा है उसके लिम्स जो हैं वो सही पैटर्न के अंदाज में जिस तरह एक नॉर्मल ग्रोथ होती है बच्चे की ग्रोथ हो रही है बाकी सारी चीज़ें उसकी ठीक हैं कॉग्नेटिव डेवलपमेंट उसकी कागनेटिव डेवलपमेंट हो रही है उसको चीज़ों की समझ आती है जो कॉग्नेटिव प्रोसेस हैं लॉजिक है कैलकुलेशन हैं अंडरस्टैंडिंग है कंप्रीहेंशन है, है, है क्या ये सारी चीज़ें वो सीख रहा है देन इमोशनल डिवेलपमेंट हाउ टच शी बिहेव विद इन द क्लासरूम बाकी बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रही है क्या उस अपने इमोशन पे कंट्रोल करना उसको आ चुका है ये डेवलपमेंट हम प्ले में भी चेक करते हैं ये डेवलपमेंट हम उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में और डीलिंग्स में चेक करते हैं देन सोशल डेवलपमेंट। जब हम कोऑपरेटिव और कलेबोरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं हम इस तरह की कोई एक्टिविटी बच्चों को देते हैं या रोल प्ले दे रहे होते हैं तो उनकी सोशल डिवेलपमेंट बहुत अच्छे से हमारे सामने आती है देन मॉरल अब ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि अखलाकी तौर पर भी क्या बच्चों के तस्वूरत जो हैं वो पुख्ता हो चुके हैं कि वो सही और गलत की पहचान कर पाएं। ये सब भी जब बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ हैं किस को नुकसान पहुँचाना है या नहीं पहुँचाना कहाँ पे किस तरह से नरम लहजे में बात करनी है उस्ताद की इज़्ज़त कैसे करनी है पियर ने आपस में कैसे एक दूसरे के साथ पेश आना है एक दूसरे को पहल करने का मौका देना है ये सारी बातें जो हैं वो मैनर्स में आती हैं खाने के पीने के सब आदाब तो हमें ये भी देखना है कि मॉरली हमारा बच्चा कितना ग्रो कर रहा है फिर लैंग्वेज डिवेलपमेंट है बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी सारी कम्युनिकेशन हम कुछ सुन रहे हों कुछ पढ़ रहे हों कुछ समझ रहे हों सब के सब लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बेस करते हैं तो हमने देखना है हमारे बच्चे कितनी वकेबलरी कहाँ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं क्या दूसरे लोगों के साथ हैं कोई उनको एक्स्ट्रॉडनरी तो नहीं प्रॉब्लम पेश आ रही देन सेंसरी मोटर डेवलपमेंट क्या वो अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है क्या वो चीज़ों को देख के उनकी नोयत को उनकी हैयत को उनकी नेचर को समझ पाते हैं देन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बच्चे नफसियाती तौर पर मजबूत शख्स बन रहे हैं ऐसा तो नहीं कि वो टिमिड टिमिड हैं वो शाई हैं पीछे रहने वाले हैं और लोगों से शर्माते हैं इस तरह की कोई भी कमी होगी तो जब हम असेसमेंट अपनी मुकम्मल कर रहे होंगे तो हमें उन चीज़ों को पता चल जाएगा देन कल्चरल डेवलपमेंट हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस कल्चर और जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारे बच्चे रह रहे हैं उसकी भी उनको अवेयरनेस होनी चाहिए वो मुसलमान हैं या वो पाकिस्तानी हैं या वो किसी शहर इलाक़े स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी ओनरशिप और उनकी बिलोंगिंगनेस वक्त के साथ साथ डेवलप करनी चाहिए सो so, ये जब हम असेस कर रहे होंगे किसी रूब्रिक के ज़रिए बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इट कुड बी प्ले इट कुड बी अ रोल प्ले तो जब वो सब बच्चे कर रहे होंगे तो हमने ये चीज़ें असेस करनी है और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसे तो एक बड़ा फिनमना है जो कंट्री वाइड उसका ताल्लुक है या घरों के अंदर लेकिन हमें बच्चों को ये बताना है कि सरमाए की हैसियत क्या है और सरमाए को बचाना कैसे जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट हैं कि जो रिसोर्स आपके पास हैं छोटे छोटे भी जैसे कागज़ है तो कागज़ ज़ाया नहीं करना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी ज़ाया नहीं करेंगे साबुन ज़ाया नहीं करेंगे जो रिसोर्स हमारे पास हैं उनको कैसे हमने इकोनॉमिकली मैनेज करना है यूज़ करना है ये डेवलपमेंट का हिस्सा है अगर आप बत्ती जला रहे हैं बिजली जला रहे हैं उसको कब बंद करना है क्लास से निकलना है तो आपने फ़ैनस और लाइट्स को ऑफ़ करके जाना है और जो क्लास के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो जिस तरह से आप Uh, देखिए बहुत से रिसोर्सेज है जैसे हमने बताया था डिफरेंट कॉर्नर होते हैं मैथ कॉर्नर है साइंस कॉर्नर है, है तो वहाँ खिलौने हैं इक्विपमेंट है बहुत सी चीज़ें हैं तो क्या वो सारी चीज़ें किस तरह से संभालनी है कैसे इस्तेमाल करना है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है और इकोनॉमिकली कैसे हम इफ़ेक्टिव काम कर सकते हैं ये सब हमने अपने बच्चों को सिखाना है तो दूसरे लफ्जों में होलिस्टिक डेवलपमेंट होना ज़रूरी है और हॉलिस्टिक असेसमेंट होना ज़रूरी है हमने ये आपको बताया है कि जो जो एक्टिविटीज़ आप बच्चों को सिखाते जाएंगे या कराते जाएंगे या जो हमारे मकासद हैं अब ये सारी डेवलपमेंट से हमारे बुनियादी मकासद हैं तो हमें इनको साथ साथ असेस भी करना है और असेसमेंट के बेसिस पे हमें बच्चों के बारे में डिसीजंस भी लेने हैं कि उनको मज़ीद हमारी तवज्जो की कहाँ ज़रूरत है